हेडलाइन पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चोर की तरह घर में घुसा तेंदुआ पालतू कुत्ते को दबोच कर भागा। बैलगाड़ी से प्रचार के लिए निकले सीएम देवेंद्र फडणवीस। पीओके को लेकर राम माधव ने दिया बड़ा बयान। छात्रों के विरोध के बाद छेड़खानी के आरोपी प्रोफेसर को लंबी छुट्टी पर भेजा। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। चोर की तरह घर में घुसा तेंदुआ पालतू कुत्ते को दबोच कर भागा। कर्नाटक के शिमोग जिले में शनिवार की देर रात एक तेंदुआ एक घर में घुस गया और मकान मालिक के कुत्ते को उठाकर ले गया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इससे पहले हासन जिले के चन्नरायपट्टन तालुका स्थित इस क्षेत्र के तेंदुए ने हाल ही में एक कुत्ते को शिकार बनाया था। बैलगाड़ी से प्रचार के लिए निकले सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर बीजेपी अभी से प्रचार प्रसार में लग गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज से महाजनादेश यात्रा पर निकल गए हैं। इस दौरान वो पुणे में बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार करते नजर आए। बैलगाड़ी की लगाम उन्होंने खुद ही संभाल रखी थी। पीओके को लेकर राम माधव ने दिया बड़ा बयान। गुवाहाटी में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए राम माधव ने कहा कि कश्मीर में हालत सामान्य हो रहे हैं और बहुत जल्द ही वहां पर विकास का परचम लहराएगा और समय आने पर पीओके का मुद्दा भी उठाया जाएगा। छात्रों के विरोध के बाद छेड़खानी के आरोपी प्रोफेसर को लंबी छुट्टी पर भेजा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो दिन से जारी प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय प्रदर्शन ने एक बड़ा फैसला लिया। अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छेड़खानी के आरोपी का सामना करते हुए जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एस के चौबे को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।